हाइलाइटर कौन सा बाय करें और उनको अप्लाई कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चंस होता है कमेंट्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आप अगर देखें मार्केट में हमें इतने टाइप्स के हाइलाइटर्स मिल रहे होते हैं। कुछ हाइलाइटर हमारे जो हैं वो मतलब स्टिक फॉर्म में आते हैं, क्रीमी फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जो कुछ इस तरह का उनका टेक्सचर होता है, काफ़ी क्रीमी सा इनका जो है वो टेक्सचर होता है। कुछ इस तरह से जो है, जैसे मेबलिन का आपको दिखाया जा रहा है, तो ये पाउडरी फॉर्म में आते हैं, प्रेस्ड पाउडर की फॉर्म में जो है ये वाले हाइलाइटर्स हमारे पास जो है हमें मिल रहे होते हैं। और ये मिस रोज़ ब्रांड का है, और ये भी कोई प्रेस्ड फॉर्म में ही आपको जैसे वेलवेटी सा शेड होता है वैसे ही की जो है इसका टेक्सचर है। और इसी तरह जैसे ये अनस्तासिया में है, बहुत एक्सपेंसिव जो है ये हाइलाइटर है। और इसी तरह ल्यूमिनेटर आपको मिलते हैं, जो कि आप अपने अंडर बेस यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन आज हम ये जो स्टिक फॉर्म में हाइलाइटर है, इसका एक लगाने का मेथड आपको बताएंगे, एक ट्रिक आपको बताएंगे, जो कि मे भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहे। अच्छा, ये हम जो ट्रिक है ये आपके डेली रूटीन में जो आप मेकअप कर रहे होते हो उसके साथ जो है वो मतलब कि आप कर सकते हो इसको। आपने पहले ये आपकी कोई भी कॉमन क्रीम होती है, जैसे बहुत से लोग बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो जिसमें बिल्कुल हल्का सा आपको जो है बेस का इफेक्ट मिल रहा होता है। यहाँ पर मैं हेवन डव ब्रांड की जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। और ठीक है, इसको मैंने फुल फेस के ऊपर हल्का हल्का सा जो है वो अप्लाई किया है, क्योंकि ये डेली रूटीन वाली जो है ये क्रीम है। उसके बाद हमने फेस को जो है वो सेम वैसे ही ब्लश करना है, बिल्कुल नेचुरल सा हल्का सा पिंक की शायद जो है वो ब्लशन फेस के ऊपर कर लेना है, क्योंकि हमने नो मेकअप लुक के मुताबिक जो है वो आज मेकअप करना है और फेस को थोड़ा नेचुरल ग्लो देना है। तो नेचुरल ग्लो के लिए आपने इस तरह से जो है वो अपने फेस को जो है वो प्रॉपर तौर पर फील ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपका फेस जो है वो धूप से थोड़ा पिंकी हो गया, ठीक है। उस तरह से ही आपने एक लुक देना है फेस के ऊपर। और बिल्कुल हल्का सा ये एक बहुत ही चाइना का प्यारा सा लिप ग्लॉस है, तो इसको हमने अप्लाई करना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक साइड पर इसके लिपस्टिक है और दूसरी साइड पर इसके लिप ग्लॉस भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने इस तरह से यूज़ कर लिया हुआ है। अब ये हमारा प्रॉपर वो वाला मेकअप हो गया है कि जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि डेली रूटीन में करते हो। अब आप देखिए कि स्टिक फॉर्म में जब आप इसके ऊपर अपने मतलब टी जोन एरिया पर हाइलाइटर यूज़ करते हो, या ओनली चिक्स पर भी अगर आप करते हो, नोज़ पर नहीं भी करना चाहते, जैसे समर का मौसम है तो मे भी हो सकता है कि आपको नोज़ पर शाइन नहीं चाहिए, जस्ट चिक्स पर ही चाहिए, तो आप इस तरह से जो है वो अपने फेस के ऊपर हाईलाइट कर सकते हो। बिल्कुल आपको ऐसे फील होगा कि जैसे कि नेचुरली मतलब ग्लो कर रहा है। और ये जो मैं स्टिक इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये है गबरीनी ब्रांड का हाइलाइटर है स्टिक फॉर्म में, ठीक है। और इसको मैंने फेस के ऊपर यूज़ किया है, तो आप देखें जी कितना फेस के ऊपर ग्लो आया है और बहुत ही मज़े का इनका बेस बना है। अच्छा, दूसरी टेक्निक मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, ये जो आपकी एक स्टिक फॉर्म में हाइलाइटर होता है और एक आपके पास जो है वो ल्यूमिनेटर होता है, ठीक है। इन दोनों को मैं यूज़ करके फेस के ऊपर आपको दिखाऊंगी कि ज़्यादातर लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास निक्स ब्रांड का ल्यूमिनेटर है, जिसे हम फेस के ऊपर पहले एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। मॉइस्चराइज पहले हमने फेस को कर लेना है, उसके बाद फेस के ऊपर जो है वो आपने ल्यूमिनेटर को इस तरह से जो है वो अप्लाई कर लेना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियोस में आप देखते हैं कि पहले फेस को बहुत ज़्यादा ग्लो किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो फाउंडेशन वगैरह को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी आ रहे थे कि जी आप ऐसा मेकअप क्यों नहीं करती जिसमें नीचे पहले आप बहुत सारा बेस लगा लें, मतलब हाइलाइटर या ल्यूमिनेटर को लगा लें, और उसके बाद ऊपर जब आप बेस बनाएंगे तो वो बहुत ग्लोई बनती है। तो आपके सामने ही आज मैं बेस आपको बना कर दिखाती हूँ, और आप फिर मुझे खुद बताइएगा कि कितना ग्लो आया है हमारे फेस के ऊपर, ठीक है। और मैं इसको यूज़ क्यों नहीं करती, ये सबसे लास्ट में जाके मैं आपको बताऊँगी। और अब ये देखें जी, हम लोगों ने क्या करना है, ल्यूमिनेटर को फेस के ऊपर मैंने जैसे ही लगाया है तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई चिपका चिपका फील हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम बेस लगाएंगे तो फिर उसका जो है वो क्या हाल होगा, आप खुद सोचें देखें। और अब हम दूसरी साइड पर जो है वो स्टिक फॉर्म में जो हाईलाइटर है इसको यूज़ कर लेते हैं। हाईलाइटर जो है जो स्टिक फॉर्म में होता है ये क्रीमी होता है, और ये इतनी जल्दी हमारे फेस के ऊपर ड्राई नहीं होता है, इसकी वजह से अगर हम इसके ऊपर अपना बेस भी बना लेते हैं तो कोई इतना इशू होता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ इन दोनों हाइलाइटर को मैंने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है,
ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनको हम किन किन तरीक़ों से जो है वो यूज़ करते हैं सलोन्स के ऊपर ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो वीडियोस के लिए की जाती हैं वो एक अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। कुछ लोगों ने सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ही जो है वो इन चीज़ों को इन्हेंस करना होता है, अदरवाइज़ उनको अगर आप वैसे यूज़ करें तो कोई ख़ास उनका फ़ायदा होता नहीं है। अब ये देखिए हमने फुल फेस को इतना ग्लो कर लिया हुआ है, अगर हम इसमें बिल्कुल हल्का सा जैसे एक दो ड्रॉप फाउंडेशन का ऐड कर लेंगे तो हमारा फेस ग्लो ही रहेगा, तो बेस्ट है, ठीक है। मैं कहूँगी आप ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ग्लोई बेस आपका बनता है। लेकिन जैसे दिखाया जा रहा होता है कि फुल फाउंडेशन, अब जब हम इस पर जैसे हमने पहले स्टिक फाउंडेशन को यूज़ किया है इसके ऊपर, अब हम अपनी यूज़ कर रहे हैं लिक्विड फाउंडेशन। अच्छा, स्टिक फाउंडेशन के ऊपर मैंने थोड़ी सी लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई किया, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने एक स्वीट टच ब्रांड का यूज़ किया है, ठीक है, और साथ ही मैं क्रेलोन ब्रांड का जो है TL 11 नंबर का यहाँ पर लूज़ पाउडर को यूज़ कर रही हूँ, और ये हमारी कंप्लीट एक बेस बन गई, ब्राइडल बेस। अब आप खुद देखें और बताएं कि आपको जो नीचे आपने इतना ज़्यादा हाइलाइटर भर भर के इन्हें अप्लाई किया था वो कहाँ गया, ठीक है। जब वो नज़र ही नहीं आना जब हमारी बेस बननी है, तो फिर हमें क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा मेहनत करने का और प्रोडक्ट्स को नीचे लगा के बर्बाद करने का, ठीक है। तो मतलब विदाउट आप लास्ट में जाके इसको हाइलाइटर वगैरह लगाएं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम फुल फेस के ऊपर मेकअप कर लेते हैं तो उसके ऊपर जब हम अपने हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं तो उसका ग्लो कैसे मतलब कितना आता है। सबसे पहले हमने फेस को अच्छे से फिक्सिंग स्प्रे कर लिया है, फुल हमने अपने मेकअप कंप्लीट कर लिया, और सबसे लास्ट में आके अब आपने फिक्सिंग स्प्रे के ऊपर जब अपने हाइलाइटर को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ मैं एनास्टासिया का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोकल ब्रांड का भी हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो उसको लगाने का आपको मेथड आना चाहिए। अगर आप सही से हाइलाइटर को अप्लाई करेंगी तो लोकल ब्रांड का हाइलाइटर भी इसी तरह ही शाइन करेगा जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरीके थे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे। वैसे भी आप लोगों के कमेंट से रिलेटेड मेरे पास मतलब के प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने का अपना ही एक अलहदा मज़ा, इसलिए आपको कहती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर किया करें और अपने प्रॉब्लम ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।